हे गाइस, आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा बिग होल इन द अर्थ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर था एक बिजली का पोल जो था लकड़ी का। आजकल जैसे पहाड़ों में बर्फ गिरती है, उस वजह से बिजली की तारें टूटकर गिरती है। अगर तो लकड़ी का पोल हो तब तो वो बड़ी ही आसानी से टूट जाती है। तो यहाँ पर एक नया लोहे का पोल लगा है। उसके लिए ये खोदा गया था एक गड्ढा, लेकिन यहाँ पर सामने है HT लाइन, इसमें है 2200 वोल्टेज और इस पोल में आती है 220 वोल्टेज। हुआ क्या कि अगर ये यहाँ पर पोल लगता तब HT लाइन और इस लाइन का डिस्टेंस 5 फीट से कम हो जाता, जिस वजह से इन दोनों वायरों में स्पार्किंग हो सकती थी, क्योंकि इसमें है 2200 वोल्टेज, इसमें है 220 वोल्टेज और घर में बल्ब या इलेक्ट्रॉनिक सामान जल सकते थे। तो जब पोल लगाने वालों ने ऐसा देखा तब उन्होंने एक और गड्ढा खोद दिया निचली तरफ और ये लगा दिया पोल। और HT लाइन और इस लाइन की दूरी लगभग 7-8 फीट के आसपास रह गई। तो अब तो वो पोल लगा कर भाग चुके हैं और मेरे लिए यहाँ पर रखा है एक गड्ढा जो है बहुत बड़ा। ये देखिए कितना बड़ा गड्ढा है। अब मेरे लिए काम ये है कि मुझे कुदाली और बेलचे की सहायता से इस मिट्टी को इस गड्ढे में डालना पड़ेगा, जिससे कि ये खेत बिल्कुल समतल हो सके। तो ये है आसमान का व्यू, बादल किस तरह से हैं, और ये है 360 व्यू। आज थोड़े थोड़े से बादल हैं और ये है बर्फ। आज है 13 तारीख फरवरी की, लेकिन अभी तक बर्फ रही है। और ये है गड्ढा। आपने सुना होगा कि आदमी गड्ढा खोदता है, तो ये वो गड्ढा है जो पोल लगाने वालों ने मेरे लिए खोदा है और मुझे इस गड्ढे को अब बंद करना पड़ेगा। तो ये देखिए दोस्तों, अब मैं दूसरों के बनाए गड्ढे में कूद जाता हूं। अब ये गड्ढा जिसने भी बनाया हो, मैं तो इस गड्ढे में चला गया, लेकिन अब इसको भरना शुरू करता हूं दोस्तों। दोस्तों अब पकड़ लेता हूँ बेलचा और इसकी मदद से इस गड्ढे को भरना शुरू करता हूँ।